गाइस क्या आप भी चाहते हो अपनी मनपसंद जॉब? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी लेकर के आ चुका हूं मैं दोस्तों। आज की जो वैकेंसी की अपडेट आई है दोस्तों, यहां पे विप्रो कंपनी की तरफ से वैकेंसी आई है। विप्रो एक आईटी कंपनी है जिसमें दोस्तों यहां पे आईटीआई 10th 12th ग्रेजुएशन बीई डिप्लोमा जिन्होंने भी कर रखा है वो यहां पे सभी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस तरह के अच्छे अच्छे यहां पे वीडियोस की अपडेट लाते रहता हूं जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों 2023 में ये सबसे अच्छा मौका निकल कर आ चुका है, और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन अप्लाई करेगा और कौन कौन जो है यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है आईटीआई डिप्लोमा बीई ग्रेजुएशन, ठीक है, बीटेक वगैरह आपने कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहाँ पे 19/1/2023 रखी गई है, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो विप्रो कंपनी जैसी बड़ी कंपनी में, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो अपनी मनपसंद जॉब पाना चाहते हो अच्छी अच्छी सैलरी के साथ में, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है किस तरह से जो आपको फॉर्म को भरना होगा और किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सारी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन नहीं किया भाई जाकर के कर सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी ब्रांच को मेंशन कर दिया करो यार। ये मेंशन करोगे तो मुझे भी पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस आपकी जो आपका नाम क्या है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हो सके तो स्टेट भी अपना डाल दिया करो। तो चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए सारे डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे मैं सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक डिटेल्स के माध्यम से यहाँ पे देखने को जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे विप्रो जॉब रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2023, ठीक है, जिसमें दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, दोनों प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इनकी अगर हम बात करें हम यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ पे शॉर्ट में सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया होता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ठीक है, किस डेट तक यहाँ पे फॉर्म को आपको भरना होगा और किस डेट तक अप्लाई कर सकोगे, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन में माध्यम के माध्यम से आपको पूरी पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो विप्रो रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है, पोजीशन आपको जो देखने मिलेंगी यहाँ पे 1200 प्लस यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीई कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ये दोस्तों सबसे अच्छा मौका निकल कर आ चुका है, लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो ये मेंशन यहाँ पे करी गई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, विप्रो जॉब रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल्स नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से जो आपको अप्लाई करना होगा एंड यहाँ पे किस तरह से जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। बात करें यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे विप्रो लिमिटेड कंपनी तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद में बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन मोड के बारे में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोड आपका कैसे रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में दे रखी हैं, जो कि यहाँ पे आपका जो अप्लाई मोड रहेगा वो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई भी शुल्क नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपको कैरियर के माध्यम से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी चार्ज आपका यहाँ पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें हम नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे पोजीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे डेवलपर की पोस्ट पोजीशन देखने को मिलेगी, टेक्निकल लीड की पोजीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट ऑटोमेशन लीड की देखने को मिलेगी, सीनियर बिजनेस एनालिटिक्स की देखने को मिलेगी, ठीक है, टेक बिजनेस एनालिटिक्स की देखने को मिल जाएगी और टेस्ट इंजीनियर की देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको पोजीशन देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे पहले तो नंबर एक आप यहाँ पे जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए तभी जो यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारा कुछ
यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जिसमें आपने पुरुष और महिला यानी यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे फ्रेशर हों या फिर एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट हों, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें हम सैलरी यानी पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पे पे स्केल आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी अच्छी यहाँ खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने आईटी कर रखा है, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही खास ये वैकेंसी होने वाली है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी भी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों यहाँ पे बात करें हम एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एज लिमिट जो रहेगी आपकी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के यहाँ पे देख सकते हो 38 वर्ष के बीच में आपकी आयु जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और एप्लीकेशन फीस के प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ओबीसी के लिए 0 शुल्क रखा गया है, ऐसे ही एससी और एसटी वालों के लिए भी यहाँ पे 0 शुल्क रखा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ मेंशन किया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आप अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो पहले तो आपने जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, आपको स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में साथ ही साथ अपना रिज्यूम को भी अपलोड करना होगा, फोटो को भी अपलोड करना होगा और सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम पूरी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि यहाँ पे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट रहेगा और यहाँ पे इंटरव्यू के बेस में आपका सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन बेस यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे विप्रो एप्लीकेशन डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेट्स निकल कर आ रही है हमारे सामने, कौन कौन सी डेट निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5/1/2023 से ये वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 5/1/2023 से वैकेंसी स्टार्ट हो गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ देख सकते हो 19 जनवरी 2023 रखी गई है, ठीक है। तो इस डेट तक जो आप अप्लाई कर पाओगे, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और यहाँ पे जो आवेदन आपको कैसे करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आवेदन आपको यानी कि हाउ टू अप्लाई कैसे आपको ऑनलाइन करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे जो ऑनलाइन करना होगा और किस तरह से आप जो यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं। तो गाइस देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। आप ब्राउजर ओपन करोगे, ब्राउजर ओपन करने के बाद जैसे आप किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हो, ठीक, आपको इसी प्रकार गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ऑनलाइन जॉब तक। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे गूगल में टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है भाई। अब ऑनलाइन जॉब तक मैंने यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पे आपको देखने को जो है मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना होगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। तो भाई आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको फॉलोअर का ऑप्शन। तो भाई अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो भाई जरूर से यहाँ पे फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जब भी आर्टिकल पढ़ता है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जरूर से फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद अब हम ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट पे ही देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा विप्रो जॉब रिक्रूटमेंट 2023, ठीक है। आईटी कैंडिडेट, बीई, बीटेक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो कि मैंने आपको बताई थी बेसिक डिटेल्स, वो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगी। तो आपको भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स आपको देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक डिटेल्स नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी कि क्या क्वालिफिकेशन है और किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने जो सारा कुछ यहाँ पे चार्ट को मेंशन कर रखा है मैंने यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आओगे भाई तो नीचे यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन, ठीक है, और भी कई सारी वैकेंसीज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सामने क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना होगा।
क्लिक करोगे आपके सामने भाई इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे हम जो है यहाँ पे विप्रो की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। और यहाँ पे हमें आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे जो वैकेंसी थी यहाँ पे जॉब की रिक्रूटमेंट है ऑफिशियल जो अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जॉब सर्च पे क्लिक करोगे ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आईडी भी दे रखी है ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो कि मैंने आपको बताई थी वैकेंसी वो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उनको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपको इस पे आपको आवेडन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल्स है आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ठीक है भाई। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लोकेशन रहेगी आपकी हैदराबाद के अंदर रहेगी ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे चार्ट में मेंशन कर दिया होता है। यहाँ पे आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सारी समझ आ जाती है आपको ठीक है। यहाँ पे आपको लोकेशन भी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बीटेक वगैरह कर रखा है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सारी कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है। अगर आपको मान लीजिए आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइड में अप्लाई का बटन जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, देन क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खोल के ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपनी मेल आईडी को यहाँ पे मेंशन कर देना है, आईएस कैप पे क्लिक करना है भाई, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ठीक है। अब नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खोल के ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पे अपनी क्रिएट प्रोफाइल को जो कंप्लीट कर लेना है ठीक है। तो मान ली मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ, आपको अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट देखनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीवी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपना सीवी को अटैच कर सकते हो ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे एंटर योर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ पे आपको लड़की है लड़का है तो लड़की के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो मिसेस और लड़के के लिए मिस्टर ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइप करना अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर एड्रेस का ऑप्शन देखेगा, एड्रेस आप डाल सकते हो ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे विप्रो कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे दे सकते हो, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो ठीक है। एंड अगर आप कर रहे होते तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे एनए लिख सकते हो ठीक है भाई, एनए ठीक है, ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे तो कब कौन से डेट से कर रहे हो और किस डेट से कब तक कर रहे हो ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉय वालों के लिए। एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, बी बीटेक कर रखी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। एंड डिग्री वाले यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ चार्ट मेंशन कर दिया होता है। नेशनलिटी आप कहाँ इंडियन है कहाँ के हैं वो यहाँ पे डालना होगा, वैसे आप इंडियन वालों के ही लिए ही वैकेंसी निकल कर आ रही है ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो वैसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हो ठीक है। टाइम जोन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है ठीक है भाई। बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक डिटेल्स है आपको। हाँ ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच कर लेना है ठीक है भाई। तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए आप किसी कंप्यूटर कैफे पे जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा लो और यहाँ पे अपलोड कर दो ठीक है भाई। इस तरह से अपने फॉर्म को जो अपलोड कर सकते हो और फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी, अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना।